हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर। आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट इंजीनियर्स में आप सभी का रिनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि रोड में जो आपका ड्रेनेज सिस्टम होता है उसमें कितने टाइप्स होते हैं, हम लोग कितने टाइप्स की ड्रेन प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली आपकी टू टाइप की ड्रेन होती हैं, एक आपकी अनलाइन ड्रेन होती है, दूसरी आपकी लाइन ड्रेन होती है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को आज हम लोग लाइव प्रोजेक्ट ड्राइंग के थ्रू डिस्कस कर रहे होंगे कि ड्राइंग के थ्रू हम लोग किस तरह से क्वांटिटी को टेक ऑफ करते हैं, किस तरह के ड्राइंग को एनालिसिस किया जाता है ताकि आप कंस्ट्रक्शन साइट पर जाके प्रॉपर तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूट करवा सकें, आप प्रॉपर तरह से एस्टिमेशन और कॉस्टिंग कर सकें। तो यही सब चीज़ें आज हम लोग ड्राइंग के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक आपको स्क्रीन पे एक प्रोजेक्ट दे रखा है जो कि नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है। इसी के थ्रू हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो दो टाइप की ड्रेन होती है, एक आपकी लाइन ड्रेन होती है और एक आपकी अनलाइन ड्रेन होती है, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये हमारा रोड का सीरीज चल रहा है। जो आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये रोड की सीरीज का पाँचवा वीडियो है। कौन सा वीडियो है? पाँचवा वीडियो। इसके पहले मैं फोर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि आपकी रोड की ड्राॅइंग्स को हम कैसे पढ़ते हैं, कितने टाइप की रोड की ड्राॅइंग्स होती हैं, आपका TCS क्या होता है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन, आपका चैनेज क्या होता है। एक रोड में डिफरेंट डिफरेंट TCS होते हैं, तो उसको चैनेज के साथ कैसे पढ़ा जाता है, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। और जो सेकेंड वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि आपका जो कैरेज वे होता है वो क्या होता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ आपका फॉर्मेशन ब्रेथ क्या होता है, शोल्डर्स क्या होते हैं, टॉय ब्रेथ क्या होती है, ये सब लाइव प्रोजेक्ट ड्राइंग के थ्रू मैंने आपको डिस्कस करके दिखाया था। और जो थर्ड वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है, अस्फाल्ट कॉन्क्रीट क्या होती है, फ्लेक्सिबल पेमेंट में कौन कौन सी लेयर्स आती है, पूरा ड्राइंग के थ्रू मैंने आपको एक एक्सपोजर दिया था। और जो इसके बाद फोर्थ वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि आपका कैम्बर क्या होता है, हम कैम्बर क्यों प्रोवाइड करते हैं, ड्राइंग के थ्रू कैम्बर को कैसे एनालिसिस करते हैं, कैम्बर की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये सब चीज़ें मैं अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुका हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कहाँ हैं आप, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ आप उन्हें लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या जाता है सब्सक्राइब करने में, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप न्यू वीडियो देख सकते हैं, तो आपको एक नॉलेजफुल कंटेंट मिलेगा। ओके, तो चलिए फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन हम लोग क्या बात करने वाले थे, ड्रेन्स की बात करने वाले थे, जो कि दो टाइप की होती है, एक आपकी अनलाइन ड्रेन होती है, दूसरी आपकी लाइन ड्रेन होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनलाइन ड्रेन की। अनलाइन ड्रेन क्या होता है, तो ये ड्राइंग में देखेंगे सबसे पहले, ताकि आपको एक इमेजिनेशन पता चलेगा। ये देखेंगे आप यहाँ पर, ये देखेंगे रोड के दोनों साइड यहाँ पे आपको ड्रेन्स दी हुई है। अब बेसिकली अनलाइन ड्रेन क्या होता है, ड्रेन्स हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, आपका कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि मैंने पिछले सेशंस में प्रोवाइड डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं इत्मीनान से। रोड में हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से आपका वाटर ड्रेन ऑफ होके आता है। तो वाटर कहाँ जाता है, आपकी ड्रेन्स में जाता है। कैम्बर से जो पानी बह के आता है वो कहाँ जाएगा, आपका ड्रेन्स में जाएगा। तो ड्रेन्स आपकी दो टाइप की होती हैं, एक आपकी अनलाइन ड्रेन होती है और एक आपकी लाइन ड्रेन होती है। तो हम बात करने वाले हैं अनलाइन ड्रेन की। तो ये देखेंगे आपको ये अनलाइन ड्रेन यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखेंगे दोनों साइड आपकी अनलाइन ड्रेन आ रही है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये आपको अनलाइन ड्रेन दिया हुआ है, ये आपको अनलाइन ड्रेन एक साइड दिया हुआ है और दूसरी साइड ये उन्होंने आपको अनलाइन ड्रेन दिया हुआ है। तो अनलाइन ड्रेन क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है अनलाइन, मीन्स इसमें लाइनिंग नहीं है, ये नॉर्मली सॉइल का बनाते हैं। नॉर्मली जो हम लोग सॉइल है उसको एक प्रॉपर स्लोप में एक्सकवेट कर देते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ रोड, तो आपका अनलाइन ड्रेन बन जाता है। इस टाइप की जो ड्रेन्स होती है ना, वो आप क्या करेंगे, शहर के बाहर ही देख पाएंगे, मतलब जो आपके सिटीज़ होते हैं, जो आपके टाउन्स होते हैं, उसके बाहर आपको हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे इस तरह की ड्रेन्स दिखाई दे जाएंगी। लेकिन शहर के अंदर हम लोग इस तरह की ड्रेनेज सिस्टम नहीं प्रोवाइड करते हैं, पूरी तरह से फेल हो जाएगा आपका ड्रेनेज सिस्टम। तो जो आप अनलाइन ड्रेन देख रहे हैं ना, ये आपको शहर के बाहर, किसी टाउन्स के बाहर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, किसी हाईवे पे या फिर किसी आपको नेशनल हाईवे पे, जो कि प्योरली आपका सॉइल का बना होता है। केवल हम एक प्रॉपर स्लोप में, जो कि आपका मोस्टली 45 डिग्री का स्लोप होता है 1:1 का, हम लोग सॉइल को एक्सकवेट कर देते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली ड्रेन बन जाता है, कैम्बर के थ्रू पानी आता है जो कि आपका बह जाता है। क्लियर? तो आपको ड्राइंग्स में चीज़ें कुछ इस तरह से दिखेंगी। इसका डिटेल आप देखेंगे तो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि चीज़ें कहाँ पे दे रखी हैं। ये देखेंगे यहाँ पे आपको पूरा जो आपका अनलाइन ड्रेन है उसका डिटेल दे रखा है। ये देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप प्रॉपर तरह से देख पाएँ।
ये देखेंगे यहाँ पे आपको ये ऑनलाइन ट्रेन दिया हुआ है जिसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दे रखा है। ये देखेंगे ये आपको ऑनलाइन ट्रेन दे रखा है। अब जो ऑनलाइन ट्रेन आपको इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है वो किस तरह से बनाया हुआ है ये देखेंगे। ये कुछ इस तरह से हमने केवल सॉइल को एक्सकवेट कर दिया और कुछ भी नहीं किया है, कोई कॉन्क्रीटिंग नहीं हो रही है, कोई रिइंफोर्समेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं इस तरह से सॉइल को एक्सकवेट कर रहे हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ रोड, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ रोड। इस तरह से आपका जो सॉइल है वो क्या होगा एक्सकवेट हो रहा होगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं ऑनलाइन ड्रेन बोल रहे हैं। क्लियर। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं सॉइल को एक्सकवेट कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से कुछ ये आपको दिखाई देगा। मैं 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका इमेजिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इस तरह से चीज़ें कुछ आपको दिखाई देंगी। तो इसमें आप ये देखेंगे जो आपका ऑनलाइन ड्रेन है उसका जो बॉटम ब्रेथ है वो कितना दे रखा है आपको 300 mm दे रखा है। सबसे बॉटम में जो आपका ब्रेथ होगा वो कितना होगा 300 mm का बॉटम ब्रेथ होगा। और जो आपको टॉप ब्रेथ दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 1300 का। ये देखेंगे मीन्स जो ये वाला आपका ब्रेथ है ये देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको ब्रेथ दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 1300 जो कि आपको नीचे दे रखा है। मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आप प्रॉपर तरह से समझ पाएँ इसको। ये आपको 1300 mm दे रखा है। और जो आपका बॉटम ब्रेथ है वो कितना दे रखा है, वो आपको अभी भी 300 का दिया हुआ है इस तरह से। क्लियर। और इसका जो स्लोप है वो 1:1 का स्लोप होता है। तो 1:1 का स्लोप कौन सा होता है, 45 डिग्री का जो स्लोप होता है ना जिसमें टेन थीटा 1 होता है वो हमारा क्या होता है 1:1 का स्लोप होता है। क्लियर। और इसके थ्रू जो आपका डेप्थ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये आपका 500 mm का डेप्थ हो जाएगा। ये देखेंगे आपका 500 mm का डेप्थ हो जाएगा। क्लियर। और 1:1 का स्लोप है, जब आपका डेप 1:1 का स्लोप है डेप्थ 500 है तो ऊपर से जो आपका ब्रेथ एक्सटेंड करेगा वो भी 500 करेगा। तो इस तरह से कुछ आपको ऑनलाइन ट्रेन का डिटेल मिल जाएगा जो कि हम लोग शहर के बाहर या फिर टाउन्स के बाहर आपको इस तरह से चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। क्लियर। तो ये मैंने आपको ऑनलाइन ट्रेन बता दिया। हम बात करते हैं लाइन ट्रेन की, हम किसकी बात करते हैं लाइन ट्रेन की। तो आप देखेंगे इस तरह से कुछ आपको लाइन ट्रेन दिया रहता है जो कि मोस्टली आप सिटी और टाउन्स के अंदर ही देखेंगे। आप किसी भी शहर और किसी भी टाउन्स के अंदर लाइन ट्रेन को देख सकते हैं, बहुत ही कॉमन है। रोड के दोनों साइड आप देखेंगे तो आपको लाइन ट्रेन ही मिलेगा। क्लियर। तो ये देखेंगे यहाँ पे एक आपको लाइन ट्रेन दिया हुआ है। लाइन ट्रेन क्या होता है, बेसिकली आपका RCC का एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका पानी बह रहा होता है। कैम्बर के थ्रू जो पानी आता है वो उसमें बह जाता है। एक RCC का आपका स्ट्रक्चर होता है, क्लोज स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से आपको शहर के में मोस्टली इस तरह से चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये देखेंगे ये आपको इन्होंने क्या दे रखा है, ये आपका क्या है लाइन ड्रेन है। ये इस तरह से आपका लाइन ड्रेन आ रहा है जिसमें पानी कुछ इस तरह से बह जाएगा। ये देखेंगे ये कैम्बर है तो कैम्बर के थ्रू इस तरह से पानी आएगा जो कि इस तरह से आपका इस ड्रेन में चला जाएगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं लाइन ड्रेन बोल रहे हैं जो कि आपका क्या होता है एक RCC का स्ट्रक्चर होता है। अब इसका डिटेल कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह की ड्रेन आप देख सकते हैं अपने आसपास शहर के अंदर टाउन्स के अंदर आपको इसी तरह की ड्रेन्स मिलेंगी। ये देखेंगे ये इस ड्रेन आपको ड्रेन का पूरा डिटेल दे रखा है। ये हमारा क्या है लाइन ड्रेन है। ये देखेंगे इन्होंने आपको लाइन ड्रेन दे रखा है। तो लाइन ड्रेन में जो आपका सबसे नीचे आपका जो बेस बन रहा है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं PCC प्रोवाइड करते हैं। लाइन ड्रेन में सबसे पहले आप क्या देखेंगे इस तरह से आपका ये PCC आता है। ये देखेंगे ये आपका 7500 mm थिकनेस का सबसे पहले हम लोग एक प्लेन सीमेंट कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर ही आपका ये लाइन ड्रेन बनता है। तो ये इसका बॉटम स्लैब दे रखा है। ये देखेंगे इस तरह से क्या है ये आपका बॉटम स्लैब दे रखा है। ये हमारा क्या है बॉटम स्लैब है जो कि कितने का आएगा 150 mm थिकनेस का होगा बॉटम स्लैब। और इस बॉटम स्लैब का जो आप ब्रेथ देख रहे हैं वो कितना दे रखा है आपको 1500 mm दे रखा है। क्लियर। ये देखेंगे आपको बॉटम स्लैब का जो ब्रेथ दे रखा है 1500 mm दे रखा है आपको आउटर टू आउटर, और इनर टू इनर ये आपको दे रखा है 800 mm। मींस जो आपका ड्रेनेज होगा वो कितना होगा 800 mm ब्रेथ का होगा। ये आपको इनर टू इनर कितना दे रखा है 800 mm दे रखा है। आउटर टू आउटर देखेंगे तो आपको 1500 दे रखा है। क्लियर। और उसके बाद ये इसकी बॉल्स आ जाएंगी। ये देखेंगे ये इसकी बॉल्स दे रखी हैं। इन्होंने इसकी बॉल्स दे रखी।
और इस बॉल्स का जो आपका डेप्थ है वो कितना दे रखा है, 800 मिलीमीटर दे रखा है। ये देखिए 800 मिलीमीटर का ये आपको दोनों साइड की बॉल्स दे रखी हैं, उसके ऊपर से ये आपका आरसीसी का स्लैब आ जाएगा। ये आपको आरसीसी का स्लैब दे रखा है जो कि कितना है, 150 mm थिकनेस का ये आपको आरसीसी का स्लैब आ रहा है। तो कुछ इस तरह से आप शहर के अंदर, टाउन्स के अंदर, इस तरह की आप रोड के दोनों साइड ड्रेन्स देखते होंगे जिसके थ्रू आपका पानी फ्लो होता है। क्लियर? और इस 3D में बनाएंगे तो कुछ ये इस तरह से आपको बना हुआ दिखाई देगा, ये इस तरह से, ताकि आपको एक प्रॉपर इमेजिनेशन हो जाए। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, यहाँ से देखेंगे ये वाटर इनलेट होगा, ये देखेंगे रोड से पानी आएगा तो इस तरह से अंदर एंटर करेगा। और ये आपका क्या है, जो ये साइन देख रहे हैं क्या है, आपका मैक्सिमम वाटर लेवल का साइन होता है। जो आपका मैक्सिमम वाटर लेवल होगा वो कुछ इस तरह से, ये आपको वाटर लेवल के साइन होते हैं, जो आपका वाटर फ्लो हो रहा है उसका ये लेवल कुछ इस तरह से दिया रहता है। तो ये आपका लाइन ड्रेन है जिसका मैंने आपको पूरा एक डिटेल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया है किस तरह से चीज़ें होती है। तो हमने दोनों टाइप की ड्रेन देख ली है जो मोस्टली आपको रोड्स में देखने को मिलेंगी, एक आपका लाइन ड्रेन और दूसरा आपका अनलाइन ड्रेन। तो मैंने आपको ड्राइंग के थ्रू एक पूरा एक्सपोजर देने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर करिए। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रिनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो आपको इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड सी यू ना नेक्स्ट वीडियो।